पावागढ़ माँ काली का मंदिर। जब हम सीढ़ियों के रास्ते मंदिर जाते हैं तो सीढ़ियों की शुरुआत से लेकर अंत तक हमें साधु बाबा बैठे हुए दिखाई देते हैं। जब कोई भी व्यक्ति साधु बाबा के पास से गुजरता है तो वे साधु बाबा उन लोगों से 2 रुपए मांगते हैं और उन्हें आशीर्वाद देने के बहाने उन्हें पास बुलाते हैं और उसके बाद उनका हाथ देखकर और उनका भविष्य बताकर उन्हें भ्रमित करते हैं और इस तरह वे साधु बाबा भोले भाले लोगों को ठगते हैं। जब हम मंदिर में पहुंचते हैं तो माता जी के दर्शन के लिए भक्तों की पहले से ही बहुत भारी भीड़ होती है। वहां पर भक्त लोग कई देर से लाइन में लगे होते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को मंदिर के पीछे के दरवाजे से VIP एंट्री मिल रही होती है माता जी के दर्शन के लिए। ये चीजें सरासर गलत है। मंदिर में सभी भक्त एक समान है, चाहे वो गरीब हो या अमीर। मंदिर में आने और जाने के लिए सरकार द्वारा बस सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं, लेकिन ये बसें खचाखच लोगों से भरी होती है। बसों की कैपेसिटी से भी ज़्यादा लोग बस में भरे जाते हैं। मंदिर का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा और पहाड़ी क्षेत्र वाला है, इस तरह बसों में भयंकर भीड़ से दुर्घटना की संभावनाएं हो सकती हैं और इन सब की जिम्मेदार खुद आम जनता है। उन लोगों की लापरवाही से कोई भी दुर्घटना हो सकती है।